बच्चन ने हाल ही में एक कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी की जिसमें एक छोटे बच्चे ने उन्हें घर पर रहने और आराम करने के लिए कहा क्योंकि वो 80 वर्ष के थे। अभिनेता ने अमिताभ से संपर्क किया जब वो एक विज्ञापन पर काम कर रहे थे और उनकी उम्र के बारे में पूछताछ की। अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर कहा, अनुभवी अभिनेता लड़के के सुझाव का जवाब नहीं दे सका क्योंकि वो अपनी अनमोल ईमानदारी से चकित था, जैसा कि उसने कहा। अमिताभ ने निम्नलिखित लिखा, आपको इससे निपटना होगा या जीवन छोड़ देना होगा। दोस्त, जब मैं RBI के विज्ञापन पर काम कर रहा था तो दृश्य में एक युवा था जिसने कहा, क्षमा करें, आप कितने साल के हैं? अभ्यास के बीच में वर्ष 1980 था। तेजी से उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, ओह माय गॉश, काम करने का क्या मतलब है? मेरे दादा दादी घर पर आराम कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते? इसके अलावा उन्होंने कहा, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं था, ज्यादातर इसलिए कि मैं 5 साल के अशिक्षित बच्चे की ईमानदारी से चकित था। दूसरा, कुल मिलाकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने समय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी माँ के प्रोत्साहन के साथ स्टूडियो छोड़ने से पहले फोटोशूट के अंत में अपने ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर किए। आज के डिजिटल रूप से सूचित विश्वकोश की दुनिया में कई चीजों की तरह संवाद मेरे साथ अटका हुआ है और मुझे यह याद दिलाया गया जब मैंने अपने सेवानिवृत्ति व्यवसाय के बारे में जाना और YKW में भारी भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट और चीखें सुनी।